अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद है इस वक्त बुलढाणा ज़िला तहसील खामगो, एक छोटा सा शहर काजीबोता। यहाँ पर हम इनसे पूछेंगे, तो चलिए हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्थानीय लोग कहते हैं इस तहखाने के अंदर एक मज़ार है, ये मज़ार का ऊपरी हिस्सा है। हमने अंदर आने के बाद इस गुम्बद के कंस्ट्रक्शन को देखकर लगता है कि ये पत्थर का है, पूरा पत्थर में बनाया गया है और इसे कलर किया गया। यहाँ पर हमें ताक नजर आते हैं उजाले के लिए, और यहाँ पर हमें ताक नजर आता है। यहाँ पर हमें रहमान और सैलानी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नजर आती है। यहाँ पर हमें बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नजर आती है, और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जन्नत मुकाम रहमतुल्लाह। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख रशीद शेख करीम, मेरे अब्बा का नाम शेख करीम शेख रहमान। अच्छा, इस दरगाह के ताल्लुक से बताइए, आप हजरत का नाम क्या है? शाह रहमतुल्लाह अलैह। शाह रहमतुल्लाह अलैह। हाँ। शहर का नाम किस पे रखा गया? काजी से। काजी से। हाँ। काजी घराना का आया था, यहाँ पहले काजी घराना था। काजी घराना था। हाँ। अच्छा। ये लोग बुगदाज से शाह शरफुद्दीन औलिया। हाँ। शाह दिन अवलिया शाह रहमतुल्लाह उजनी वाले नामतुल्लाह। हाँ। इनका नाम क्या है? तुल्ला पर से। हाँ। ये बुगदाद से आए हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे आँखों में जब बसता है ना, तो सिर्फ उसको बसाना वाला चाहिए। महातुल्लजीन वाहता कादी तिलकादी वाला ये हम दसना वाते वाल अर्दमा हनी पो। ए अल्लाह, हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तेरा दिल में सीने में जिक्र किया, उसके मरते दम तक उसको फर्ज अदा करेंगे। इसके आगे क्या है? उसके सिवा कौन है? सबसे पहले रब को आवाज़ देना पड़ेगा, तब ये भी अपने पीछे चले, आप उनके सपना सामने सुनेंगे, और उसको ही नहीं आवाज़ मिलेगा, फिर अपने कहाँ मिलेगा? कुछ मिलेगा बेटा? नहीं। तो हर चीज़ का मोल वो रहता है बेटा, कि हक के मायने पर लड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि वादा शरीक लहू व शहद वन्ना अब्दहु व रसूल, अल्लाह हक अपनों को अदा करेंगे, मेरा वादा है अल्लाह से। जुस्त जो उससे लड़ना और उससे लेना और उससे अर्जू, हर चीज़ खत्म भी उस पर ही होंगी। हाँ। अब देखिए, यहाँ बोलती है घोड़ी यहाँ से तलघर है, अब आपने देखा नहीं हमारे साथ, ये देखिए यहाँ से तलघर है, कहते हैं यहाँ से अंदर जाने को तलघर है, ये देख यहाँ से ये दीवार। हाँ, ये रास्ता है बोलते अंदर जाने को। अच्छा, उस वक्त ये घोड़े की ज़्यादा, उनके घोड़ा यहाँ दफन किया गया, तो कहते हैं इसको आप उकारना नहीं, इसके ऊपर अब ज़्यादा बन गया, अब इसमें अंदर अपनी औकात है कि जाए। स्थानीय लोग कहते हैं इस दीवार के पास से अंदर जाने के लिए एक तहखाना है, और अंदर मज़ार शरीफ है। हमें ये गुम्बद दिखाई दे रहा है, इस गुम्बद के अंदर तहखाना है, और इसमें शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है।